विगत कुछ दिन पहले पुल की चोरी हो गई, जिसको लेकर खबरें भी खूब सुर्खियों में रहा, क्योंकि भाई यह बिहार है और यहाँ कुछ भी संभव है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सहरघाट इलाके के लाइफलाइन सड़क की। इलाके को विकास से जोड़ने के लिए चकाचक सड़कें तो बना दी गई, लेकिन दशकों पुराने सहरघाट के धौस नदी बने पुल की मरम्मति पर शायद सरकार या अधिकारी का ध्यान ही नहीं रहा, जो अब जर्जरता का शिकार हो चुकी है और कभी भी बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सकता है। आपको जानकारी दे कि करीब 1980 के आसपास बनी सहरघाट का पुल अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बावजूद इस सड़क से छोटे से लेकर बड़े बड़े ओवरलोड वाहन की आवाजाही हो रही है। पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और हादसे को लगातार आमंत्रण दे रहा है। स्थानीय वाहन चालक और दुकानदारों की माने तो जब से उक्त पुल का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक इसके मरम्मती पर किसी का ध्यान नहीं गया। आलम यह है कि पुल जर्जर हो चुका है, बड़े बड़े ट्रक व बस का आवागमन इस पुल से होता है। इतना ही नहीं, NH 104 व स्टेट हाईवे 75 सड़क को जोड़ती यह पुल से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा व नेपाल तक आवागमन की सुविधा मुहैया कराती है। लेकिन इसकी जर्जरता अब अंतिम चरण पर है, जो कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। इसलिए इस नदी पर एक अलग से नए पुल के निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। पूछे जाने पर स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि पुल की मरम्मति के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया गया है, जल्द ही इसकी मरम्मति पर पहल किया जाएगा। पुल का स्थिति है जिसमें गड्ढा है, गड्ढा बजाएगा तो धड़कबे करेगा, जंपिंग मारता है तो उसके बाद फूबे करेगा, डोलबे करेगा। भारी वाहन जो है ना इस पर सक्सेस नहीं करेगा, लेकिन NH वाले जो है इसी सड़क पर गुजार रहे हैं, तो क्या लग रहा है आए दिन सक्सेस होगा? नहीं, नहीं होगा। अभी वर्तमान स्थिति आप जो गाड़ी गुजारते हैं उस स्थिति में क्या होता है? वही खड़ा पूरा हिलता है, उसके बाद वजन वाला गाड़ी जाएगा, लचक करता है, जंप करता है, जंपिंग होता है, जिससे परेशानी हो सकती है। कामयाब नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए या तो बगल से बाईपास होना चाहिए या नया पुल होना चाहिए, ताकि चौड़ीकरण भी हो सके। और पुल की स्थिति तो अब जर्जर हो चुकी है, आपके सामने ये देख रहे हैं। इस पर क्या कर रहा है अभी तक सरकार, जो NH विभाग है वो? यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर रहा है, बस रिपेयरिंग कर रहा है, जिससे कुछ नहीं होगा। और पुल की जर्जरता भी होती जा रही है, जो नीचे सड़क जो देख रहे हैं। हाँ बोलिए ना। तो फिर NH वाला इस तरह से क्यों कर रहे हैं? ये तो अपना उसका मालूम है, सरकार अपना कुछ करेगा ना। क्या मांग कर रहे हैं कि इसे चौड़ीकरण होनी चाहिए? हाँ होना चाहिए। NH का सड़क नहीं है ये। अच्छा, NH के लिए लाइक सड़क नहीं है, पुल टूटा हुआ है, इसी पर गाड़ी जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पूरी तरह से पिलर पाया जो है बगल वाला वो पूरा जर्जर हो चुका था। इसका मरम्मत किया गया है पूरा, बहुत मरम्मत क्या होगा, जबकि इस पर कौन सड़क गुजरने वाली है? ये NH 104 का सड़क है, इसका स्थिति बहुत खराब है, पुला पूरा जर्जर हो चुका है। और पुला में तो कई गड्ढा भी, गाड़ी जाने के बाद पुल हिलता है। तब NH जो बन जाएगी, NH जो सड़क चालू हो जाएगी, तब तो पूरा हिलना क्या मतलब टूटने की कतार पे आ जाएगी। हाँ, तो उसको क्या कहा जा सकता है, गाड़ी चढ़ेगी कहीं नीचे ही गिर जाएगी, उसका कुछ ठीक है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मांग करेंगे नया पुल बनाए, नया पुल पास हुआ उसको बनवाए। नया पुल इस पर पास हो चुका है, नया पुल सुन रहे हैं कि पास हो चुका है, तो उसको बनवाएगी सरकार तब ना होगा। सरकार को इसको बनवाना चाहिए। पुला जो है सरकार NH सड़क बना रही है, उसके बावजूद पुला जस का तस बना हुआ है, इतनी जर्जरता पुला हो चुकी है, वाहन जो है ना, वाहन जो है ना इस पर जाती है गुजरती है, जाम भी लगता है और टूट भी चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे, इस पुला कब का है? पुला बहुत जमाना का है, 65-70 साल का पुला है। ये नया पुल यहाँ उद्घाटन करे तभी इस रोड का कल्याण होगा। पुला कभी गिर सकता है, पुला कभी गिर सकता है। जहाँ लोडिंग गाड़ी चढ़ता है ना ट्रक, तो पूरा जंप मारता है पुला। अब एक बात, अभी जो वर्तमान स्थिति है पुला का, उसमें देख रहे हैं कि गड्ढा बन गया हुआ है, और कुछ दिन पहले NH विभाग द्वारा रिपेयरिंग कर दिया गया था। हाँ, रिपेयरिंग तो हुआ था, तो उस रिपेयरिंग से क्या लग रहा है कि पुला का कुछ नहीं, रिपेयरिंग से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है, रिपेयरिंग से कुछ प्रभाव नहीं है। सीमेंट लगे पोत दिया हो गया, सीमेंट लगे पुल दिया, चिकन चाकन कर दिया। NH के अनुसार ये सड़क ये पुल है? NH के अनुसार ये पुल है? NH के अनुसार ये पुल नहीं है, ये पुल नया निर्माण होगा उसके बाद NH के द्वारा होगा। सरकार से क्या मांग करेंगे इस पुल के लिए? सरकार से यही मांग है, मैंने मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि यहाँ पर नया पुल निर्माण करे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें,
YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।